राजधानी देहरादून में जीएसटी काउंसिल में लिए गए फैसलों और अन्य विषयों को लेकर वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक का आयोजन किया गया। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने बताया है कि राज्य में जीएसटी काउंसिल में पूर्व में जो बैठक हुई थी उसके फैसले सकारात्मक रहे हैं। राज्य में जीएसटी संग्रहण बढ़ रहा है और भविष्य में क्या नए सुधार किए जाने हैं, इन सभी विषयों पर चर्चा करके सभी व्यापारियों सभी बड़े उद्योग समूहों के साथ चर्चा कर एक साझा रणनीति तैयार की जा रही है। जीएसटी काउंसिल की जो है बैठक है लगातार और सहयोग से मुझे उसमें जाने का मौका मिला। हम लोग भी अपने क्षेत्र की बात अपने यहाँ के जो सुझाव हैं उनकी बात करते हैं और उसके बाद निर्णय जो होता है उसको लेके हम लोग कोशिश करते हैं कि हमारे जो हितधारक हैं व्यापारी हैं उद्योगपति हैं या अन्य जो भी हितधारक हैं उनके लिए भी उनको जानकारी। आज की वर्कशॉप भी उसी तरह से हमने यहाँ रखी है जो हमारे जीएसटी काउंसिल में निर्णय लिए गए जो नवाचार वहाँ पे किए गए हैं जो सुधारात्मक कार्रवाई इसमें की गई तो एक संवाद का कार्यक्रम पूरे प्रदेश के हमारे जो व्यापारी हैं उद्योगपति हैं हितधारक हैं उनके साथ आज बैठना हो रहा है। इस वर्कशॉप में बताया जा रहा है कि भी हम क्या क्या सुधारात्मक कार्रवाई कर रहे हैं। ऐसे में ये जो हम लोग वर्कशॉप करते हैं पहले भी हमने की कर रहे हैं और आप भी जानते हैं कि जिस प्रकार से हमारे हितधारकों के माध्यम से जो हमें कर मिलता है टैक्स मिलता है जीएसटी मिलता है उसी आधार पर हम आगे बढ़ने का काम करते हैं। तो निश्चित रूप से सभी व्यापारी हैं पूरे प्रदेश भर के अनेकों संस्थाएं हैं एसोसिएशन हैं व्यापारी संगठन हैं जो आज यहाँ पर आई है मैं उनका धन्यवाद भी कर रहा हूँ। जो हमारे अधिकारी वर्ग हैं उनके द्वारा जो सारी बातें उनको बताई जा रही उनसे बातचीत भी होगी और निश्चित रूप से आने वाला टाइम जो सरलीकरण का है उसके आधार पर हम लोग आगे बढ़ेंगे। इससे वर्कशॉप का ये मकसद है।